बांदीकुई में आज ब्राह्मण समाज के सभी संगठनों ने एकजुट होकर सपोटरा के बुकनी गांव के पुजारी बाबूलाल वैष्णव के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग व उसके परिवार को सुरक्षा मुआवजा सहित सरकारी नौकरी सहित आवास के लिए ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद मेला प्रकोष्ठ दोसा की ओर से आज हमने एसडीएम को यह ज्ञापन सौंपा है कि सपोटरा के बुकानी गांव में पुजारी जी के साथ जो आगजनक घटना हुई थी उसको लेकर हमने मांग रखी है कि पुजारी जी के परिवार को उचित सुरक्षा प्रदान की जाए तथा उनको पक्का आवास दिया जाए, एक सरकारी नौकरी व उचित मुआवजे की मांग को लेकर हमने आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की गई है। आपका नाम? मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद महिला प्रकोष्ठ की ओर से नेहा चतुर्वेदी। सभी ब्राह्मण संगठन एक जगह इकट्ठे होकर के और जो बाबूलाल जी को जला करके उनकी निर्मम हत्या की गई उसके मामले में एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, उनको आगाह करने के लिए पहुंचे हैं कि ऐसी मनुष्यों के साथ ये निर्मम हत्या है और ये बंद की जाए। इसमें बाबूलाल जी के साथ जो धोखाधड़ी की गई है जिसमें उनको एक छोटा सा लॉलीपॉप देकर के और बहला दिया गया, जिसमें ना तो उनको सही नौकरी दी गई ना उनको जो मुआवजा दिया गया है वो बहुत ना के बराबर दिया गया है। और उनके सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बात सरकार से ये निवेदन है कि भाई बाबूलाल जी के लिए सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए। उनको आज भी आए दिन धमकियां दी जा रही है जिससे वो परेशान है, उनको रहने के लिए सीधा उपलब्ध कराई जाए और उनको विशेष सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। ये हमारी सरकार से हाथ जोड़ करके